कोरोना वायरस दो प्रकार से फैलता है, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का अर्थ है कि यदि आप किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मनुष्य से, पर्सन से संपर्क में आए, अगर आज किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और आप उससे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं, चाहे उसके क्लोज में बैठना, उसके साथ हाथ मिलाना और उसके सामानों को यूज़ करना, ये एक प्रकार का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। एक है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का अर्थ है कि आप उस व्यक्ति से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, परंतु किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा यूज़ की गई चीज़ों को आप संपर्क में आए हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज अगर मुझे इन्फेक्शन है और मैं खांस रहा हूँ या मुझे नाक से पानी आ रहा है, तो जब मैं खांसता हूँ मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं, मेरे जो श्वास के खांसी के जो कण हैं, वो 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस में मेरे आसपास जो सराउंडिंग सर्फेसेज हैं उस पर गिरते हैं। या दूसरे तरीके से माना जाए, मैंने खांसा, मैंने अपना हाथ यहाँ रखा, मेरे जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं उन्होंने मेरे हाथ को कंटामिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने ये ग्लास उठाया, इस ग्लास से मैंने पानी पी लिया, फिर मैंने ये ग्लास यहाँ रख दिया। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आता है और इसी ग्लास को उठाता है और उठा के किचन में रखता है, किसी और दूसरी जगह रखता है, तो ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र हो गया। जैसे मैं अपने इस गंदे हाथों से जाके दरवाजे का नॉब पकड़ लूँ, टैप को ओपन कर दूँ, फ़ोन को उठा लूँ, और फिर कोई असंक्रमित व्यक्ति जो इन्फेक्टेड नहीं है वो उन सब सर्फेसेस से अगर कॉन्टैक्ट में आता है, तो इसे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं। सो इन दो प्रकारों से कोरोना वायरस फैलता है। जैसा कि अब हम समझ गए हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हमें अवॉइड करना, तो इससे बचाव का क्या तरीका है? बचाव के सबसे दो कोर इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। नंबर वन इज कॉफ एटिकेट्स। अगर आपको खांसी है, आपको नाक आ रही है, आपको अपने सिक्रीशंस आ रहे हैं, मुंह से कुछ सिक्रीशंस निकल रहे हैं, उससे आपको बचना है, इसका मतलब आपको रुमाल यूज़ करना है या कोई टिश्यू यूज़ करना है खांसते वक्त अपने नाक और मुंह के सिक्रीशंस को साफ करते वक्त, और उन्हें सही जगह पर डस्टबिन में डिस्पोज करना है। नंबर दो, चूँकि आप संक्रमित हैं और आपको इस तरह के सिक्रीशंस आप जनरेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप फ्रिक्वेंटली, अधिक से अधिक बार अपने हैंड को वॉश करें। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को आप यूज़ ऑफ टिश्यू और यूज़ ऑफ रुमाल के थ्रू बचा सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को आप बचा सकते हैं अगर अपने हाथ साफ हैं। आपने खांसा, आपने सोप एंड वाटर से अपना हाथ साफ कर लिया, तो इसका मतलब आपके इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड जो हैंड्स हैं वो क्लीन हो गए। उसके बाद आप आसपास की चीज़ों को टच करेंगे तो वायरस के दूसरी चीज़ों पर फैलने की संभावनाएँ बहुत कम रहेंगी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है सिक कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करना। इसका मतलब यदि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके ऑफिस प्लेस पे अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस संदिग्ध है, एक्सपोज्ड है, उसको सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। क्वारंटाइन का अर्थ होता है अपने घर में एक सिंगल रूम के अंदर वो रहे 10 से 14 दिन तक, ताकि वो अपने आप को ऑब्जर्व कर सके कि उसे इस प्रकार के किसी गंभीर लक्षण नहीं प्रकट हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, कॉफ एटिकेट्स बहुत जरूरी है। कॉफ एटिकेट्स क्या होते हैं? कॉफ एटिकेट्स यही होता है कि जब आपको छींक आए, जब आपको जुकाम हो या जब आपको खांसी हो, तो आप अपने सिक्रीशंस को दूसरी जगह जाने से रोकें। उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपको छींक आ रही है तो अपने एल्बो के अंदर छींकें या खांसें। जैसे अगर आपको खांसी आती है तो आपको इस तरह से करना है, इससे ना तो ये आपके हैंड्स को कंटामिनेट करेगा ना आसपास की सरफेसेस को कंटामिनेट करेगा। अगर बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है तो आप एक रुमाल यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक मात्रा में आपको सिक्रीशन जनरेट हो रहे हैं या बहुत ही तेज़ी से काफ़ी अधिक समय तक खांसी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिंपल प्लेन सर्जिकल मास्क अपने ऊपर लगाएं, ताकि आपके सिक्रीशंस दूसरे को नहीं जाएं। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको बार बार हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश बिल्कुल सही तरीके से होना बहुत आवश्यक है। अमूमन हम मानते हैं कि पानी लिया और सिंपल हाथ धो लिया, ये करेक्ट हैंड वॉश का तरीका नहीं है। इससे आपके पूरे हाथ डीकंटामिनेट नहीं होते हैं। तो आपको करेक्ट तरीके से हैंड वॉश करना है, उसके लिए 6 पेक्यूलर स्टेप्स हैं। अगर उन स्टेप्स को आप अच्छे से दोहराएंगे
तो आपके हैंड्स पूरी तरह से डिकंटामिनेट हो जाएंगे।